युद्धाभ्यास से डर गया भारत को गीदड़ भभकी देने वाला चीन। एक झटके में ही निकल गई पड़ोसी की हेकड़ी। चीन समझ गया कि 1962 का दौर और था और 2017 का दौर और। अब भारत डरता नहीं है, डराता है। भारत ने जब जापान और अमेरिका के साथ संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास शुरू किया तो युद्ध की धमकी देने वाला चीन पानी मांगता हुआ नजर आया। तीन देशों का ये ऑपरेशन मालाबार चीन को अपने सिर पर वार लग रहा है। चेन्नई तट से बंगाल की खाड़ी तक हिंद महासागर में होने वाले इस युद्धाभ्यास में 20 जंगी जहाज, दर्जनों युद्धक विमान, पनडुब्बियां और टोही विमान शामिल हो रहे हैं। ये दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा नौसैनिक युद्धाभ्यास है। हमेशा ही भारत की सुरक्षा में खलल डालने वाला चीन अब इसे अपनी ही सुरक्षा के लिए खतरा बता रहा है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट में भी ये डर साफ दिख रहा है। अखबार ने लिखा है, भारत में हो रहे इतने बड़े युद्धाभ्यास से चीन की सुरक्षा को ही बेहद खतरा है। अमेरिका से भारत को मिलने वाले लड़ाकू विमानों और टोही ड्रोन से भी चीन डर गया है। अखबार ने यह भी लिखा है कि इस युद्धाभ्यास का असर भारत के साथ उसके व्यापारिक संबंधों पर भी पड़ सकता है। व्यापारिक संबंधों की दुहाई देने वाला चीन क्या ये भूल रहा है कि इन व्यापारिक संबंधों के खत्म होने का नुकसान भी तो उसी को उठाना पड़ेगा। इस युद्धाभ्यास का मुख्य फोकस एंटी सबमरीन ऑपरेशन है, यानी दुश्मन की पनडुब्बी को किस तरह से मिलकर मार गिराया जा सकता है। इस नजरिए से ये चीन की नजर में बड़ा खतरा है। इसके अलावा F-18 लड़ाकू विमानों से लैस अमेरिका के विमान वाहक निमित्ज, जापान का इचुमो और भारत का INS विक्रमादित्य भी चीन को खूब खटक रहा है। ये वही युद्धाभ्यास है जिसका ऐलान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेहमान नवाजी करते हुए किया था। तो अभी तो ये शुरुआत है। बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर में ये ऑपरेशन मालाबार अभी तो 10 दिनों तक चलेगा। जब अभी से चीन का ये हाल है तो आगे क्या होगा।